गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें शायद से मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ा दिया था लास्ट लास्ट प्रेशर वेव के बारे में कुछ बताओ यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या क्या पढ़ा। पी नॉट की इक्वेशन डिराइव करवा दी थी मैंने, मुझे ध्यान है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन डिराइव करवाई थी। और हाँ, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन मीडियम लिखवा दिया था, जिसमें कि न्यूटन्स ने ज्ञान दिया था कि वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट इलास्टिक मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर आप कर दोगे अंडर रूट के साथ तो ये जो आंसर देगा ये वेलोसिटी ऑफ साउंड देगा। ये बात सेटिस्फाई हो रही थी कहाँ तक, लिक्विड तक सेटिस्फाई हो रही थी, साउंड में सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन एयर में ये बात सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। यहाँ पर फिर हमने क्या यूज किया था सर, फिर यहाँ पर ना हमने लैपलास करेक्शन यूज किया था। क्या यूज किया था सर, यहाँ पर ना हमने लैपलास करेक्शन यूज किया था। अकॉर्डिंग टू लैपलास करेक्शन क्या हो रहा था? अच्छा, अब न्यूटन्स ने क्या मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया था, न्यूटन्स ने क्या मानकर कहा था? न्यूटन्स ने कहा था कि एयर में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन फिर इस बात को किसने करेक्शन करवाया, इस बात में करेक्शन करवाया लैपलास ने। उसने कहा कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंज होता है, और वो जो प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है? इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस इन नेचर। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए कि अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो इसी बात का ध्यान रखते हुए लेप्लास ने वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, वी इज इक्वल्स टू गामा आर टी बाय एम अंडर रूट में, राइट? वी इज इक्वल्स टू गामा आर टी बाय एम अंडर रूट में। सो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, देयरफॉर वी कैन से दैट। इसी के नीचे से नोट लिखना चालू करना, वी वन बाय वी टू इक्वल्स टू अंडर रूट टी वन बाय अंडर रूट टी टू। इससे हम किसी भी दूसरी सिचुएशन में वेलोसिटी निकाल सकते हैं टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड बदलता रहता है। हाँ या ना बच्चों, ये बात तो समझ गए होगे। अच्छा, अब देखो फिर हमने पढ़ा पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, या एम आर टी ले लो, एम बाय एम ले लेते हैं अपन। अरे अरे यार, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो पी बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम, पी बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम, पी बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम। अब मान लो पूरी दुनिया में ये क्या बना दिए सर आप, अरे यार ये बहुत गलत हो गया है जो हुआ है। पूरी दुनिया का तापमान सेम है, पूरी दुनिया का तापमान क्या है, सेम है, आज टी बराबर कांस्टेंट है, तो पी बाय रो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू गामा पी बाय रो, मानते हो क्या ये बात? एंड इट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, विथ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से वेलोसिटी ऑफ एयर चेंज नहीं होती है, या मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर बाय रो का जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। प्रेशर चेंज होगा तो रो इस तरीके से चेंज होगा कि पी बाय रो का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या ये बात? नोट करके लिखना, इफेक्ट ऑफ साउंड इन मीडियम
विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. लिख लिया सभी ने? डन एवरीवन? ठीक है. एक बहुत बड़ी बात, मतलब प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं होगा. हाँ बेटा महाजन. चलिए अब देखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो देखो डेंसिटी ऑफ H2O इन वेपर फॉर्म, H2O वेपर कुछ 0.8 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो 1.24 केजी पर मीटर क्यूब होती है. ये एक स्टैंडर्ड डेटा है, मैं याद नहीं करवा रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे. 1.24 या 23 लेते हैं, 1.3 चलो ठीक है चलने दो, ये होती है. ठीक है, अब अगर मान लो तुम ऐसे मीडियम में गए जहां पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर वेपर कंटेंट, वाटर वेपर कंटेंट इन एयर. एयर में एक्सेस ऑफ वाटर वेपर कंटेंट होना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी. क्लियर है? समझे बेटा इतना, है ना? तो अगर तुम खुद सोचो, अगर किसी भी मीडियम में, ये अपना मीडियम है, इस मीडियम में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना चाहूं तो इट विल बी गामा आर टी बाय एम, अंडर रूट टाइम्स गामा आर टी बाय एम. इट इज अंडर रूट टाइम्स गामा आर टी बाय एम, है ना? अब अगर मैं गामा की बात करूं, सॉरी गामा क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, गामा पी बाय रो. ये भी तो एक फॉर्मेट होगा सर वेलोसिटी का. तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम अगर ज्यादा H2O कंटेंट हुआ तो कम हो जाएगी. बोलो, अगर H2O कंटेंट ज्यादा हुआ, मतलब बारिश के दिन हुए या ऐसे दिन हुए जब जब आसपास के रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उस दौरान हम क्या देखेंगे, डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देयरफॉर विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, साउंड वेलोसिटी इन अ मीडियम इंक्रीजेस, साउंड वेलोसिटी इन अ मीडियम इंक्रीजेस. चलो लिखो इतना. ऐसा भी कहते हैं वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब ह्यूमिडिटी वाली सिचुएशन में ज्यादा होती है वेलोसिटी इन ड्राई एयर्स. चलिए और थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं इसमें. इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मीडियम. क्या मीडियम खुद भी कभी चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है. तुम एक एयर कॉलम लो, मतलब एयर कॉलम मतलब तुम क्या करो, अरे यार ये, तुम एक एयर कॉलम लो बेटा, इसमें पहले थोड़ी देर तुमने एयर फिल कर दी, और यहां पर एक फैन लगा हुआ है, कूलर. तो ये मीडियम अपने आप इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये मीडियम में एक वेलोसिटी आ जाएगी इधर की तरफ मूव करने की. अब तुम चिल्लाओ यहां से,
जब तुम कूलर में चिल्लाते हो, कूलर के डायरेक्शन में खड़े होके, तुम्हारी साउंड थोड़ी ज्यादा आगे तक ट्रेवल करती है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड, इफ आई राइट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम, प्लस व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, माइनस व्हेन बोथ साउंड वेव एंड मीडियम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बोथ साउंड एंड मीडियम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है बेटा, लिखो. चलिए अब देखिए, ये पढ़ने के बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम पढ़ा. अब कुछ बेसिक बातें आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं अपीरियंस ऑफ साउंड वेव, अपीरियंस, अपीरियंस ऑफ साउंड वेव, अपीरियंस ऑफ साउंड वेव टू ह्यूमन ईयर, टू ह्यूमन ईयर. जब हमारे कानों पर साउंड वेव आता है तो एग्जैक्टली हम क्या फील कर रहे होते हैं? जब हमारे कानों पर साउंड वेव आता है तो एग्जैक्टली हम क्या फील कर रहे होते हैं, है ना? इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे. चलिए, कुछ कुछ बातें हैं इसमें, सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है. पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है. पिच आती है, पिच ऑफ द साउंड. पिच का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, जैसे कि मैं माइक पे बोलूं, कोई और टीचर माइक पे बोले, या वाईवाई सर माइक पे बोले, कोई भी बोले, तो आप तीनों की आवाज डिफरेंशिएट कर पाते हो ना, भले ही से हमारे फेस ना दिख रहे हो. या आप बाहर एक कार की, एक बाइक की, या कार की और मेरे बोलने की आवाज आप डिफरेंशिएट कर पाते हो. कार की कुछ अलग ही आवाज सुनाई देती है, आपके बोलने की आवाज कुछ अलग होती है. सो पिच उसे कहते हैं, पिच जिसकी मदद से आप दो डिफरेंट वॉइस को डिफरेंशिएट कर पाते हो. एक्चुअली आपका दिमाग दो डिफरेंट वॉइस को जब डिफरेंशिएट कर पाता है तो इसे क्या कहते हैं? पिच. पिच प्रोड्यूसेस, पिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साउंड, sensation of sound of different objects. Example, sound of buffalo, female voice, male voice, है ना? ये सब हम किसकी मदद से जानते हैं? पिच के बाद आता है लाउडनेस. लाउडनेस इज पिच के बारे में लिख लो. पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा किसी की फ्रीक्वेंसी होगी, जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज्यादा उसकी पिच होगी. लाउडनेस क्या होता है? बेसिकली लाउडनेस जो है ना, वो आपको इंटेंसिटी की फील देता है, होता नहीं है इंटेंसिटी. प्लीज इस बात को ध्यान रखना. लाउडनेस गिव्स सेंसेशन ऑफ इंटेंसिटी. जैसे कि तुम एक बड़े से स्पीकर के पास में खड़े हो जाओ, तुम्हें बहुत तेज सुनाई देगा, और जैसे जैसे उतनी उससे दूर जाते जाओगे, तुम्हें थोड़ा कम सुनाई देगा. बेसिकली लाउडनेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कहते हैं लाउडनेस मेजर द साउंड लेवल. साउंड का लेवल को मेजर करता है, जिसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा?
डेसिबल, आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं पर वार्निंग लिखी रहती है कि इतने डेसिबल से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एक्चुअली लाउडनेस की बात है। अच्छा मंत्रा, थैंक यू बेटा, समझ गए इतना। तो लाउडनेस का एक फॉर्मूला है, लाउडनेस का फॉर्मूला है लाउडनेस एल इज इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 आई बाय आई नॉट, वेर आई नॉट इज द इनिशियल इंटेंसिटी या कांस्टेंट इंटेंसिटी, इसको रेफरेंस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, या तो वो क्वेश्चन में दे के रखेगा रेफरेंस इंटेंसिटी। और आई जो इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, जिस भी साउंड की आपको इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जैसे मेरे बोलने की इंटेंसिटी पता है और एक रेफरेंस इंटेंसिटी आप जिसको मान लो, ऐसी कुछ बात हो गई जैसे रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे सर, इसे हम लिखेंगे आई। अब ना रेफरेंस इंटेंसिटी अगर नहीं गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू लेनी है 10^-12 W/m². इफ नॉट गिवन तो 10^-12, ठीक है। इस पर जस्ट सुनने की पॉसिबिलिटी बनती है, जस्ट लिसनिंग प्रोबेबिलिटी डेवलप होती है, जस्ट लिसनिंग पॉसिबल, इससे ऊपर तो सुन ही लेंगे। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि हम सुन पाते हैं, 10, ये वो मिनिमम इंटेंसिटी है जिसपे कि हम सुन पाते हैं, थ्रेशोल्ड बोल सकते हो, बिल्कुल 10^-12 W/m². ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक दो दो तीन डेफिनेशन ही हैं तुम्हारी बुक में, और कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बेसिक डेफिनेशन है आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से, अगर कभी पूछ ले तो देख लीजिएगा। लाउडनेस क्वालिटी, बिल्कुल पिच हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, ओके एक दो डेफिनेशंस है समझे बेटा, इतना लिखो पहले सभी लोग। चलिए, सो वी हैव डिस्कस दिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना अभी, तो चलो सर ये भी हो गया, हमको ये समझ भी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपन आते हैं बैक टू बेसिक्स बातों पे। तो सर ऐसे ही आप हमको स्ट्रिंग वेव पढ़ा रहे थे, पहले स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन बताई थी, तो यहाँ पे कल साउंड वेव की इक्वेशन बता दी, फिर ऐसे ही आपने वेलोसिटी ना स्ट्रिंग वेव बताई थी, तो आज यहाँ पे मीडियम में स्पीड बता दी, गामा आर टी बाय एम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने बेसिक स्ट्रिंग की कुछ बातें लिखवाई थी हमें, अभी हमने बेसिक स्ट्रिंग की बातें भी देख ली। फिर उसके बाद आपने हमें सिखाया था सुपरपोजिशन की थ्योरम पढ़ाई थी, और सुपरपोजिशन से आपने कहा था कि जो कुछ भी आप सुपरपोजिशन से लेकर के स्टैंडिंग वेव तक पढ़ा रहे हो वो कॉमन पोर्शन है साउंड के लिए। इसका मतलब अब दो साउंड वेव मिलेंगी तो वो भी सुपरपोजिशन कर सकती है, और अगर वो सुपरपोजिशन करेंगी तो क्या होगा। सर ऐसा नहीं, आप एनर्जी भूल गए, एनर्जी पढ़ाई थी आपने इनके बीच में, तो मैंने कहा था एनर्जी का जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल सेम होगा हर जगह, एनर्जी का जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं ये सेम होगा। एनर्जी में मैंने पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर, पावर को हमने एवरेज पावर लिखना सीखा था, और पावर पर यूनिट एरिया होता था इंटेंसिटी। अरे हाँ ना बोलो सभी लोग, सो एवरेज पावर ऑफ अ साउंड वेव विल बी, एवरेज पावर ऑफ अ साउंड वेव, एनर्जी इन साउंड वेव लिखो। अब मैं एनर्जी नहीं लिखवा रहा क्योंकि एनर्जी का तो कोई सेंस ही नहीं था पढ़ने का, हमें तो पावर निकालना था इसीलिए हम एनर्जी से आए थे, ठीक है। तो एवरेज पावर कितना आया था, 2π²f², 2π²f²a² μ इंटू वी, वेयर वी इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्लियर है, वी इज दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो बेटा अगर मैं यहां से लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू बीटा ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा पी लिखना चाहूं तो इट विल बी बी बीटा ए के, वेयर बीटा इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए इज एम्पलीट्यूड एंड के इज कॉन्स्टेंट। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई,
पी नॉट बाय बीटा ए बीटा के, पी नॉट बाय बीटा के। अब ये सब बातें हमने पहले पढ़ी हुई है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बोलो यार। तो यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2π² एफ स्क्वायर, ए की जगह पे पी नॉट का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, के का स्क्वायर, म्यू इंटू वी। बोलो यार, एफ को क्या लिख सकता हूं मैं? सर यहां से एक और चीज लिख लो ना, 2πf इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा लिख सकते हो आप, एफ को लिख सकते हो ओमेगा बाय 2π। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2π² एफ की जगह पे लिखूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर, 4π² बीटा स्क्वायर, के स्क्वायर, पी नॉट स्क्वायर, म्यू वी। तो यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एवरेज पावर निकल के आया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो कितना आया, पी नॉट का स्क्वायर बीटा, और कुछ भी लिख सकते हैं क्या इसको, चलो अभी तो पहले यही चलेगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू वी बीटा स्क्वायर इनटू के स्क्वायर, ये याद रख लो। समझ में आया सभी को, एवरेज पावर समझ में आया? इस एवरेज पावर को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, इफ एरिया से एवरेज पावर को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है मुझे, इंटेंसिटी। एवरेज पावर कितना आया, पी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू वी बीटा स्क्वायर, के स्क्वायर। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ एरिया वॉल्यूम बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो पी नॉट स्क्वायर ओमेगा, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी इनटू वी, बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। अब वी इज दी वेलोसिटी, जिसको कि हमने लिखा था बल्क मॉड्यूलस इनटू रो, कल की क्लास में याद करो। तो वी स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, बीटा बाय रो, बीटा स्क्वायर बाय रो, सॉरी तो बीटा स्क्वायर तो कुछ ज्यादा ही अजीब आ जाएगा आंसर। क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, अपन लिखते हैं पी नॉट स्क्वायर ओमेगा को भी एलिमिनेट करें क्या, थोड़ा गंदा आंसर आएगा, चलो करते हैं। पी नॉट स्क्वायर रो इनटू वी, बीटा की जगह पे लिखते हैं अपन वी की पावर 4 इनटू रो स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, एलिमिनेट के से करना है ना, और के इक्वल टू 2π बाय लैम्डा, इन्हें डिवाइड कर दें तो ओमेगा बाय के इक्वल्स टू एफ बाय लैम्डा, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा, बट मैं लैम्डा क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे लैम्डा नहीं करना है। ओमेगा बाय के, के को यहां ले आते हैं तो के हो जाएगा, वही हो गया 2π बाय लैम्डा स्क्वायर, चलो ठीक है यही रहने दो, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द इंटेंसिटी।
इसको रिड्यूस करते हैं तो एक्चुअली मुझे जो रिजल्ट याद है वो याद है पी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाय बीटा बाय टू बीटा, ऐसा आता है कुछ आंसर। चलो ठीक है, अभी नहीं याद आ रहा मुझे, कोई बात नहीं, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। ठीक है, तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई। ऐसे ही आपने इंटेंसिटी हमें पढ़ाई थी, फटाफट लिखो, यहीं तक लिख लो बेटा सभी लोग। अच्छा एक बार और देखो, ओमेगा बाय के को हम क्या लिखते हैं, टू पाई बाय टी और टू पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा बाय टी हो गया वी, आ रहा है ना यहां से, यहां से मैं लिख रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करते जाओ, जब तक देखते जाओ बस। पी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी डिवाइडेड बाय टू बीटा स्क्वायर, बल्क मॉड्यूलस का स्क्वायर है, के की जगह पे लिख सकता हूं मैं ओमेगा स्क्वायर और ये वी का क्यूब हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया। ओ हो, अब इसको लिखते हैं अपन पी नॉट का स्क्वायर रो वी इंटू वी का स्क्वायर अपॉन में टू बीटा स्क्वायर। वी स्क्वायर को यहां से पुट कर देते हैं अपन, पी नॉट स्क्वायर रो वी बीटा बाय रो टू बीटा स्क्वायर, राइट। रो से रो भी उड़ गया तो पी नॉट स्क्वायर, दो मिनट, पी नॉट स्क्वायर v बीटा, एक बीटा से बीटा भी उड़ा देते हैं ना, पी नॉट स्क्वायर बीटा बाय टू बीटा, पी नॉट स्क्वायर बीटा बाय टू बीटा इज द इंटेंसिटी। Is the intensity of the sound wave. Formula तो याद रखना ही बेटा सभी लोग, है ना। Intensity क्या होता है तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन formula फिर भी सब लोग याद रखना, और कैसे कराए हमने तुम्हें दिख ही रहा है, सभी लोग जितने क्लास में बैठे हैं formula को बिल्कुल याद रखें। लिखो फटाफट। अब देखो सबसे बढ़िया पार्ट ऑफ साउंड वेव यहां से स्टार्ट होता है, और ये पूरा फीलिंग का है, बताएं, याद रखना, पांच मिनट की बात है, पांच मिनट में याद रखना चालू करवा दूंगा मैं। यहां से स्टार्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, पूरा का पूरा सुपरपोजिशन तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं। सबसे पहला फेनोमेना जो हमने देखा था इंटरफेरेंस देखा था, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस के अलावा कुछ और लिख रहा हूं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव पढ़ा था हमने, स्टैंडिंग वेव्स में मैं ना इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ यहीं पे, तो इसीलिए सब लोग ध्यान से देखना, एकदम फील आएगा तुम्हें। अगर सर हम बात करें स्टैंडिंग वेव की, तो स्टैंडिंग वेव में रिफ्लेक्शन फेनोमेना, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बोलो, ये तो पढ़ा हुआ है यार तुमने, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है तुम्हें, चलो, है ना। अब देखो साउंड में दो चीजें डोमिनेंट होती है, साउंड में होती है एक प्रेशर वेव, एक होती है डिस्प्लेसमेंट वेव। एक्स साइन, एक तो ना इसकी किसी ने सेटिंग चेंज कर दी है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पे होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट
कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है ना, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, अपन जनरल बात कर रहे हैं। अब साउंड वेव रिफ्लेक्ट कहाँ होंगी सर, रस्सी में जो वेव बनती थी स्ट्रिंग वेव वो तो हमें बकायदा दिखती थी कि रस्सी का एक सिरा फिक्स रखते थे तो रिफ्लेक्ट होती थी, वो पीएचईटी वाला एनिमेशन बहुत अच्छा लगता था देखने में, मजा आता था। तुम सबने अपने घरों में कभी कभी ना कभी तो ऐसा किया ही होगा कि एक बाल्टी के अंदर, या बाल्टी भी नहीं, टैंक के अंदर, घर में जो टैंक बना होता है उसमें तुम ऐसे बैठ गए होगे और मुंह नीचे करके चिल्ला रहे होगे आ, बोलो सबने किया होगा, या तो छत के टैंक पे किया होगा या अंडरग्राउंड टैंक पे किया होगा, लेकिन किया सबने है ना। इधर देखो, देखो मैं तुम्हें फील दिला सकता हूं साउंड वेव की डिस्प्लेसमेंट वेव से, क्योंकि वो तो जल्दी दिख जाती है, वो हमें जल्दी दिख जाती है ठीक है। तो मान लो यहां पर एक पार्टिकल था, इसने SHM चालू किया, फिर इसने SHM किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया और यहां टकरा गए ना, क्या दिस विल बिकम द एंड पॉइंट एज अ फिक्स्ड एंड या रिजिड एंड, बोलो। दिस विल बिकम द रिजिड एंड, मैंने डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ा रहा हूं, मैंने तो प्रेशर वेव की बात ही नहीं करी, मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर हमने बचपन में ऐसा भी किया है सर कि जब हमारे घरों में कभी ना ऐसे पाइप आते थे लंबे लंबे, तो हम पाइप में इधर से ऐसा मुंह लगाते थे और आवाज निकालते थे हो और इधर आवाज निकलती थी, बोलो। जब यहां पे एक पार्टिकल ने SHM किया तो दूसरे ने भी किया तो तीसरे ने भी किया तो चौथे ने भी किया, तो ये एंड पॉइंट पर भी SHM कंटिन्यू रहा ना, इट इज दी, हाँ ये एंड पॉइंट पे भी SHM कंटिन्यू रहा क्या, इट इज बिहेविंग एज अ फ्री एंड, जैसा कि रस्सी में हो रहा था, रस्सी का रिजिड एंड बन गया ये क्योंकि यहां पर फिक्स्ड एंड हो गया, और ये रस्सी का फ्री एंड बन गया क्योंकि वहां पर भी स्लाइडर ऊपर नीचे रॉड में नाच रहा था। हाँ ना बोलो वे सभी लोग, तुम्हें ही जवाब देना है, फील आना चाहिए ये अंदर तक कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तुम एक पार्टिकल होते और तुम नाच रहे होते, ऐसे नाच रहे होते तुम ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो जब एंड पे जाते तो यहाँ टकरा जाते ना जमीन से, और जमीन से टकरा जाते तुम क्या बोलते, अरे लग गई यार रिजिड एंड आ गया, और यहाँ पे क्या होता तुम बाहर हो जाते ना, ये फ्री एंड आ गया डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा अब फीलिंग लेंगे थोड़ी और, एक तो बात रटने की है। अच्छा ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, इन साउंड वेव वी स्टडी, इन साउंड वेव वी स्टडी सच डिवाइस कॉल्ड ऑर्गन पाइप्स, वी स्टडी सच फेनोमेना इन अ पाइप, इन अ फेनोमेना इन अ लॉन्ग पाइप नोन एज ऑर्गन पाइप, नोन एज ऑर्गन पाइप ठीक है। अब देखो तुम सबने माउथ ऑर्गन देखा है क्या, एक ऐसा लंबा सा डिवाइस होता है, यहां से लोग फूंक मारते हैं, इधर पैक होता है वो, ये पूरा स्टील से पैक होता है, कुछ जालियां लगी रहती है बीच में और यहां से लोग फूंक मारते हैं, आवाज आती है अलग अलग, बोलो है ना, लिप्स पे ऐसे रब करते हैं और आवाज सुनते हैं, बहुत बढ़िया। माउथ ऑर्गन एक ऐसा डिवाइस है ना, इस वाले की तरह देखो, एक तरफ से हवा जा सकती लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकल सकती, अरे बोलो यार। तो ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और दूसरा होता है रिजिड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल होता है बांसुरी। देखो बांसुरी के दोनों एंड खुले होते हैं, हालांकि एक एंड थोड़ा सा छोटा होता है, वो सिर्फ साउंड की आवाज के लिए, यहां पे भी एंड खुला है और यहां पे भी, दोनों एंड बीच में कुछ छेद रहते हैं, वो सिर्फ अलग अलग
पॉइंट से भी सिखाऊंगा क्यों रहते हैं। नहीं तो तुमने ऐसे शादी बाजे में, शादी में वो बड़े बड़े बाजे देखे होंगे, उनमें भी एक एंड खुला रहता है और दूसरा एंड भी खुला रहता है। दे आर ओपन ऑर्गन पाइप। क्या है वो सब? ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं, है ना? दो पाइप होते हैं। शहनाई, क्या बात है बेटा। अब मैं काम की बात करूं क्या इसमें, बेहद इंपॉर्टेंट वाली, फीलिंग वाली, एकदम जिससे फील आ जाए। चलो अब है ना मेरी बातों को और ध्यान से सुनना। तो जरा हमें समझ में आया कि ये जो है ना, इसका अंग्रेजों ने नाम रखा है, एकदम सोफिस्टिकेटेड नेम है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इसका नाम है ओपन ऑर्गन पाइप। तुम्हें एक बात तो मैंने यही बातों बातों में सिखा दी कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के रिजिड एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव क्या होगी। अगर हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, तो रिजिड एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव जीरो, एक सेकेंड रुको, ऐसे टेबल ही बना लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। और यहां पे लिख लेते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे रिजिड एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव कैसी होगी? अरे यार, एक तो पहले ही समस्या चल रही है कुछ। रिजिड एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव जीरो। मानते हो क्या ये बात? ओपन ऑर्गन पाइप में एंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव जीरो नहीं होगी। चलो ये टेबल बना लेंगे बाद में, फर्जी काम लग रहा है मेरे को भी। काम की बात सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है सर? इतना समझे हम। अच्छा यहां देखो, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो कल बताया था कि यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बन रहा है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड बन रहा है। यहीं से याद हो जाएगा वो, छोड़ो नेक्स्ट पेज। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे प्रेशर वेव का क्या हो रहा है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनता है वहां पे प्रेशर वेव का क्या बनता है? प्रेशर वेव का एंटी नोड। ये तो थ्योरेटिकली बात हुई, अब फीलिंग से समझेंगे। प्रेशर मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे हो रहा होगा कंप्रेशन, एकदम मॉलिक्यूल ठूसे हुए हैं, फिर थोड़े दूर दूर हो गए, फिर यहां से वापस कंप्रेशन हुआ, फिर मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, यहां पे वापस कंप्रेशन हुआ, ठीक है? तो प्रेशर वेव का बनता है एंटी नोड। यहां पर क्या हुआ है? देखो जब एक पाइप में से हवा बाहर निकलेगी, तो कोई भी चीज बाहर निकल रही है तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना, अंदर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा, तो यहां पर क्या बनेगा? प्रेशर वेव का नोड। क्या बनेगा? प्रेशर वेव का नोड। पहले तो ये बात बोलो समझ में आई या नहीं। मतलब यहां पर हो रहा होगा, अगर इधर कंप्रेशन हुआ था तो इधर हो रहा होगा रेयर फ्रैक्शन। क्या हो रहा होगा? रेयर फ्रैक्शन।
मानते हो ये बात अच्छे से? अब मैं इन्हीं बातों को थ्योरी में लिखवाऊंगा, जो डायग्राम में बना है वो लिख लो, फिर इसी बात को मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा। अभी मैंने बेसिक बात करी है, मैं इनको लिखवाऊंगा, पहले इतना लिख लो। हमें समझ में आया कि रिजिड एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड और प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है, और ओपन ऑर्गन पाइप में फ्री एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड बनता है। अच्छा, अब मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूं, लिखिएगा सभी लोग, लिखिएगा सभी लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्या सबने लिख लिया ना? रिफ्लेक्शन लिखिए, सभी लोग लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री इज एनालॉगस टू रिफ्लेक्शन, मैं दो बार रिपीट करूंगा, ध्यान से लिख लेना, इज एनालॉगस टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, इज एनालॉगस टू रिफ्लेक्शन ऑफ रिजिड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। दैट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड रिमेन्स जीरो एट द रिजिड एंड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड रिमेन जीरो एट द रिजिड एंड, displacement amplitude remain zero at the rigid end, and pressure amplitude will be maximum. And pressure amplitude will be maximum. Star बनाकर note लिखना सभी लोग इसके आगे, एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। अब स्टार बनाकर नोट लिखो, इट मीन्स दैट इन रिजिड एंड रिफ्लेक्टेड pressure wave, reflected pressure wave is of same phase as that of incident pressure wave. Incident pressure wave. That is, compression wave is reflected as compression only. Maximum pressure है मतलब end point पे compression wave बनी है, compression wave is reflected as compression only. Feel आया सभी को? Next लिखो, नेक्स्ट नोट। पहला नोट हो गया, ये पूरा जो मैंने डिक्टेट किया था, ऊपर भी कुछ लाइनें थी। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम फ्री एंड, देखो क्या हुआ, ओपन ऑर्गन पाइप लिख लेना अगर तुम्हें ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो। ये चला साउंड, यहां पे बात कर रहे हैं हम। इन केस ऑफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सुनना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव
फ्रॉम फ्री एंड इज एनालॉगस टू स्ट्रिंग वेव फ्रॉम फ्री एंड इज एनालॉगस टू स्ट्रिंग वेव फ्रॉम फ्री एंड दैट इज That is displacement wave is maximum at the end at the free end. Displacement wave is maximum at the free end. And pressure wave is minimum. And pressure wave is minimum at the free end. And pressure wave is minimum at the free end. That is, compression wave आई तो थी, but reflect होके क्या बन गई? Reflected as rarefaction wave. Rarefaction wave. Clear हुआ? एकदम अच्छे से बोलो हाँ या ना. हर कोई जितने क्लास में बैठे लिख दिया बेटा मैंने लास्ट पॉइंट हो कि कंप्रेशन वेव इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन वेव. अच्छा अब तो कुछ सोचना नहीं है सर, अब तो स्टैंडिंग वेव बनेगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इंसिडेंट आ रही है दूसरी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कंप्रेशन तो स्टैंडिंग वेव्स तो बनना ही है. तो पहला डिवाइस जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. एग्जांपल के लिए लिख लो माउथ ऑर्गन. देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है सर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा पाइप होता है, उसका ये सिरा बंद होता है, एक सिरा बंद कर देते हैं हम, ठीक है. अब क्या होगा, मैं डिस्प्लेसमेंट की वेव बना रहा हूं, पहले तुम लोग मेरा साथ देना सब लोग. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिहेव एज चलिए हुआ क्या, चलिए स्टार्ट करते. तो यहां पर अगर हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यार, देखो अभी फिर वापस आ रही है. सर जैसा कि आपने पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट वेव तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट वेव कुछ भी हो यहां पे जीरो होना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेव को. तो जो पहला पॉसिबल डायग्राम बन सकता है वो ऐसा बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेव का, देखो ध्यान से पहला जो पॉसिबल डायग्राम बन सकता है डिस्प्लेसमेंट वेव का वो क्या बन सकता है सर, ये आई हमारी वेव और ये ऐसे चली गई, क्या ऐसा ही कुछ डायग्राम बना था क्या कल, कल ऐसे ही कुछ डायग्राम बन रहे थे क्या?
अगर मैं कहूँ तो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ सर? ऐसे ही फिर और देखेंगे आगे। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेव बनाई है, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर प्रेशर वेव कैसी होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। यहाँ पे आंसर आएगा ऐसा, ये दिस विल बी माई प्रेशर वेव। बोलो, ये ब्लैक लाइन गलत बन गई। दिस विल बी माई प्रेशर वेव, ब्लैक कलर से जो बनी है पहली प्रेशर वेव। नेक्स्ट डायग्राम देखो, फिर इसी पाइप में और थोड़ी सी हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। तो अगर मैं बनाऊं तो नेक्स्ट क्या बनेगा सर? एक लूप। थोड़ा सा डायग्राम ना मेरे से सुंदर नहीं बन पाएगा। दो लूप ऐसा। वापस से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कंपलसरी है यहाँ पे जीरो होना। जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां प्रेशर मैक्सिमम, और जहां प्रेशर डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां प्रेशर मैक्सिमम, और जहां प्रेशर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां प्रेशर जीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम हुई, यहां आते आते जीरो, और फिर ये मैक्सिमम। ओ क्या बात है सर, बोलो ब्लैक वाला कलर क्या बता रहा है? ब्लैक कलर डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव। फील आ रहा है सभी को? तो जनरल फॉर्मूला एफ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कल पढ़ाया था मैंने, ऐसा केस बनता है फ्री एंड में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिहेव एज फ्री एंड, फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिहेव एज फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग, जिस कारण से मैं ये लिख सकता हूं एफ इक्वल टू, क्या था जनरल फॉर्मूला बताओ यार कल? V by 4L, 2N plus 1 था, क्या था जल्दी बताओ? तुम लोगों ने पढ़ाई करी है कल या नहीं करी है? 2N plus 1 V by 4L is the frequency। अगर N की वैल्यू 0 होती है तो पहली फ्रीक्वेंसी आती है V by 4L। इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो इसे कहते हैं 3v/4l, मतलब थर्ड हार्मोनिक। और इसमें कितने लूप कंप्लीट हुए? एक, तो इसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। बेसिक से कितना ज्यादा डायग्राम? तो दो डायग्राम ज्यादा है। सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट या सेकंड देख लेना एक बार, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ओवरटोन का बताना तो यार, क्या लिखवाया था मैंने फ्री एंड में? मैं भूल रहा हूँ ओवरटोन का क्या लिख